दोस्तों इंटरनेट पे कुछ भी वायरल हो जाता है। जी हाँ, इंटरनेट पे अभी जो आप हाल फिलहाल में रिसेंट में देख रहे होंगे, हर जगह कमेंट सेक्शन के हर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा देखने को विनोद 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 विनोद। जी हाँ, हर जगह आपको विनोद 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 नजर आ जाएगा। आखिर विनोद है कौन और विनोद इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। विनोद की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई और विनोद असली विनोद कौन है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पर जो है यूट्यूब सब फॉर सब करते 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 जब आदमी का मतलब एक सब फॉर सब करते करते जब उनका मन भर गया तो फिर ये कमेंट अब पॉपुलर मतलब ट्रेंड कर रही है। जी हाँ, ये कौन सी कमेंट है ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और ये कमेंट क्यों वायरल हो रहा है इतना ज्यादा ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, आप लोग किसी के भी वीडियोस पर जाके देखोगे, चाहे वो बड़े बड़े लाइव स्ट्रीमर गेमर या कोई भी हो, लाइव स्ट्रीमर या गेमर कोई भी हो, या बड़े बड़े चैनल्स ही हो या फिर कोई बड़े क्रिएटर्स हो, उनके कमेंट सेक्शन में आपको विनोद जरूर एक ना एक कमेंट देखने को मिलेगा। एक क्या बहुत सारा कमेंट देखने को मिलेगा। एटलीस्ट मेरे वीडियो पे भी विनोद विनोद बहुत सारा कमेंट जो है स्पैम हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल विनोद की जो बात उठी कैसे वो मैं बताता हूँ। कुछ लोग इतने मतलब कि ये होते हैं कि वो वीडियोस में कमेंट करते हैं, वीडियोस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको समझ नहीं आता है भाई, वीडियो में बताया क्या, वो बस आए और अपना नाम को कमेंट कर दिए। जी हाँ, मेरे भी कमेंट में बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, अपना नाम ही कमेंट कर देते हैं। जैसे वैसे मेरा नाम हर्ष है, तो हर्ष नाम है किसी बंदे का, तो वो हर्ष अपना नाम ही कमेंट कर देते हैं। वीडियो में क्या बताया क्या देखा, शायद वो वीडियो देखने आए थे कि नहीं, ये भी समझ में नहीं आता है। जी हाँ, और ये एक अभी इंटरनेट पर कुछ भी वायरल हो जाता है, आप लोग जानते हो जैसा कि। और ये जो स्टार्ट हुई विनोद मतलब विनोद वाली बात जो स्टार्ट हुई, और विनोद कहां से स्टार्ट हुआ, विनोद कौन है, ये कहां से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो हमारे एक इंडियन यूट्यूबर से बहुत बड़े स्ले पॉइंट आप लोगों को पता होगा, और वो एक वो कॉमेडी टाइप के वीडियोस बना मतलब कॉमेडी टाइप के चैनल्स हैं, और वो हंसाते हैं लोगों को बहुत ही अच्छा मतलब अपने टॉपिक से, तो बहुत सारे टॉपिक को वो कवर करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में तो इस अभी रिसेंट में वो एक वीडियोस बनाए थे, वो उस वीडियोस में एक टॉपिक कवर किए थे जिसमें वो बताए थे बात किए थे कि कोई बहुत सारे बंदे अपने कमेंट में बहुत सारे बंदे जो है कमेंट में अपना नाम ही लिख देते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे विनोद विनोद उनका नाम था, और विनोद थारू उनका नाम था, रियल जो नेम था जो कमेंट किए गए थे, जो कमेंट किया था उस वीडियोस में स्ले पॉइंट के चैनल पे, वो जो दिखाया गया उसमें विनोद थारू नाम का बंदा विनोद ही कमेंट किया, मतलब वो अपने नाम को ही विनोद कमेंट कर दिया। अब ये कोई बात है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात लॉजिक ही नहीं है इस कमेंट में, जैसे बहुत सारे चीज में लॉजिक होती है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, बेफालतू में मतलब फालतू में चीज जो है वायरल होते जा रही है और ट्रेंड कर रही है। तो अभी मुझे पता है आप लोग भी मेरे कमेंट सेक्शन में जाके विनोद विनोद बहुत ज्यादा कमेंट करोगे, मुझे पता है। तो यही था वो विनोद, यही इस पर से, और वो जो स्ले पॉइंट ये वीडियो बना के बताए कि विनोद मतलब नाम के ही बंदा अपना कमेंट कर देते हैं, अपना नाम चैनल का नाम से ही कमेंट कर देते हैं, मतलब उनका जो जीमेल है या चैनल है जिससे वो कमेंट कर रहे हैं वो अपने नाम को ही कमेंट कर दे रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वायरल हो गई, और वो वीडियो को देख करके बहुत सारे बंदे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर के कमेंट में विनोद 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 और ना जाने कितने विनोद कमेंट कर दिए। ठीक है, इस टाइप से ये विनोद जो है वायरल हो गया, और यही विनोद का पूरा स्टोरी है। लेकिन एक चीज है कि विनोद नाम का जो वो बंदा था विनोद थारू, वो एक बंदा था जो विनोद नाम से कमेंट किया था अपने नाम से। लेकिन अभी जो है अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे विनोद थारू, तो आपको इतने सारे चैनल देखने को मिलेंगे। अब पता नहीं बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बैठे हैं विनोद थारू के नाम से ही चैनल बना लिए, अब पता नहीं भाई वो इन चैनल का करेंगे क्या, या फिर क्या मतलब उनका क्या लॉजिक है क्या माइंड है समझ में नहीं आता है। कुल मिलाकर बात यह है, विनोद की पूरी स्टोरी यही थी।